नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं ज्योतिष जराहट के, आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। मांगना अर्थात अपना पुण्य दे देना, दिवाली का पर्व है। आज हम मांगने को लेकर के कुछ बड़े खुलासे करेंगे। हम तीज त्योहार के आसपास स्पेशल ओकेजन्स पे भी अगर अपनी आदत नहीं छोड़ते हैं और कुछ मांग लेते हैं किसी से, तो कभी कभी ये मांगना कुछ बड़े अनर्थ का कारण बन सकता है। है ना रोचक जानकारी। अब दिवाली का पर्व सर पे है, हर कोई जान रहा है कि बस दिवाली 27 तारीख को सेलिब्रेट की जाएगी कार्तिक अमावस्या की तिथि पर। ऐसे में बहुत सारे लोग आदत होगी मांगने की, पड़ोसियों से रिश्तेदारों से मांग बैठते, ऑफिस के अपने कलीग्स के से मांग लेंगे, बॉस से मांग लेंगे। ध्यान रहे एडवांस सैलरी लेना इसमें नहीं आएगा। यहां मांगना माने जैसे भीख मांगते, जैसे पड़ोसी से हमने दूध मांग लिया, चीनी चाय पत्ती मसाला आलू तमाम चीजें किचन की मांग लेते हैं, मांगते हैं ना, आदत। 2 रुपए की चीज है, 1 रुपए की चीज है, 2 कदम पर 1 कदम पर मिल रही है चीज, लेकिन नहीं बहन जी जरा भाई सर जरा चलिए ठीक है करें आप, लेकिन दिवाली के इर्द गिर्द में अगर ये आदत आपकी यूं ही है तो कुछ वस्तुएं हैं जिनको मांगना आपके लिए भारी पड़ सकता है, आपके भाग्य के लिए भारी पड़ सकता है। यही आज का हमारा रोचक सा शॉर्ट सा विषय है। तो इसमें सिर्फ जानने वाली बात है। अब आप ये टॉपिक छेड़ सकते हैं कि मान लीजिए आपने मांग लिया, कल अभी आपने कुछ मांगा था और हम उसको मना किए, तो क्या नुकसान होगा? होगा नुकसान, अब उसका कोई इलाज नहीं। सबसे पहली चीज जो आपको नहीं मांगना है वो है नमक। ध्यान दीजिएगा, दिवाली के आसपास मतलब आज से ही याद रखिएगा, दिवाली तक आपको किसी से नमक नहीं मांगना है, ये बात गांठ बांध लीजिए। नंबर 2 जो चीज नहीं मांगना है वो है दूध। ये कतई नहीं मांगना है, किसी कीमत पर नहीं मांगना है, अन्यथा आपका भाग्य प्रभावित होगा। नंबर 3, पहला हो गया नमक, नंबर 2 हो गया दूध, नंबर 3 सरसों का तेल नहीं मांगना है, नहीं तो जिससे मांग के ले आए उसकी विपत्तियां आप अपने ऊपर ले रहे हैं। जितनी चीजें हमने बताया है, जैसे सरसों का तेल और नमक शनि का वास, दूध में चंद्रमा और शुक्र और मंगल का वास, तो इन वो जो सामने वाला दे रहा है उस ग्रह से संबंधित अपनी पीड़ा दे दिया, वो इंटेंशन हो उसका या ना हो, लेकिन आपने मांगा तो आपने ले लिया। हां, यहां पर उन लोगों के लिए यह मांगना प्रभावहीन है जो सक्षम नहीं, लेकिन अगर आप सक्षम हैं, 2 रुपए का नमक खरीद सकते हैं, 10 रुपए का सरसों का तेल खरीद सकते हैं, 30-35 रुपए का दूध खरीद सकते हैं, तो मत मांगिएगा। और क्या चीज नहीं मांगना है दिवाली के आसपास, बहुत मजबूरी ना हो तो वाहन उधार न मांगिएगा। बहुत मजबूरी है, किसी को अस्पताल लेके भागना है, एग्जाम छूट रहा है, आपके पास बाइक नहीं है, आपने पड़ोसी से बाइक ले लिया, ठीक है। जनरल आपको पता है कि आप जहां जाना है वहां जाने में आप सक्षम हैं, साइकिल से जा सकते हैं या जो साधन है पब्लिक कन्वेंस है वो भी जा सकते हैं, फिर भी आप आदतन मांग रहे हैं बाइक आदतन, तो वो गलत हो जाएगा और वहां पे मामला फंस जाएगा। कोई भी पूजा सामग्री, कोई भी पूजा पाठ की सामग्री, अगरबत्ती है, धूपबत्ती है, दिया है, शंख है, ज्योति है, कुछ भी ऐसा, अगर आप पूजन की सामग्री कोई मांगते हैं दिवाली के आसपास में या
दिवाली के बाद भी कोई स्पेशल ओकेजन पर, यहाँ दिवाली तो कनेक्ट करिए, दिवाली के बाद भी ये कार्यक्रम प्रभावी रहेगा, किसी भी स्पेशल ओकेजन के आसपास अगर इन चीजों को आप मांगते हैं तो आप अपने भाग्य को बांटते हैं, आपका पुण्य खंडित होता है और सामने वाले का पाप आपके सर पर मंडरा सकता है। उसने दे दिया, क्या दिया, दूध दिया, मतलब आपका अपना मंगल दिया, मंगल अगर पीड़ित होगा तो गया। माताएं बहने सुहाग की चीजें ना मांगे, सिंदूर है, कांच की चूड़ी है, जो भी श्रृंगार की सामग्रियां जो सुहाग से संबंधित है, बिछिया है, पायल है, माथवेदी है, मंगलसूत्र है, अलता है, मेहंदी है, ये जो सुहाग श्रृंगार की चीजें हैं, माताएं बहने सुहागन कतई ना मांगे, आप नष्ट हो सकते हैं, आपके लिए कोई बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। दिवाली के पूजन की कोई भी सामग्री आप किसी से उधार मांग करके मत लाइएगा, माचिस की एक तिल्ली भी नहीं। तो हमारा काम आपको आगाह करना था, हमने आपको आगाह किया, उम्मीद करते हैं कि आप जरूर सावधान रहेंगे। आप सबके लिए दिवाली की परम पावन शुभकामनाएं, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आशीर्वाद साथ है। पुणे और मुंबई वालों के लिए बहुत सारा प्यार, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए हम आपके ऋणी हैं, आभारी हैं। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी आप सब पर हमेशा अपनी कृपा बरसाए रखें। कल से गाजियाबाद के लोगों की सेवा करेंगे, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, रुड़की, हापुड़, गुड़गांव, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, नोएडा, कबीर नगर, ये मतलब ये गौतम बुद्ध नगर, जहां भी आप हैं, दादर, दादरी, आइए कुंडली दिखाने के लिए। गाजियाबाद, अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख करके व्हाट्सएप करिए 9999024099956044700। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, प्यार बनाए रहें, नमस्कार, हैव अ नाइस डे।